नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की इमेज हमेशा से ही शांत स्वभाव वाले शख्स की रही है। हालांकि हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में सनी ने अपने कुछ ऐसे किस्सों का जिक्र किया है जिनके बारे में बताकर उन्होंने खुद को बदनाम बेटा कहा है। सनी ने बताया कि उन्होंने 12 साल की उम्र में पहली बार घर वालों से छुपकर कार चलाई थी और कॉलेज के दिनों में वो राह चलते लोगों को उकसाकर उनके साथ कार रेस लगाया करते थे। इतना ही नहीं, सनी ने ये भी बताया कि एक दौर में वो अपनी कार में तलवारें, हॉकी स्टिक और मेटल रॉड लेकर चला करते थे क्योंकि आए दिन उनका लोगों से झगड़ा हो जाता था। एक इंटरव्यू में सनी ने अपने यूथ टाइम का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो हमेशा से कारों के शौकीन रहे हैं। वो लोगों के साथ बीच सड़क पर रेस लगाया करते थे और कई बार एक्सीडेंट में उनकी कार का टोटल लॉस भी हुआ है। इस इंटरव्यू के दौरान सनी के छोटे बेटे राजवीर भी उनके साथ मौजूद थे। सनी ने कहा, मैं बचपन से ही कारों के लिए क्रेजी था। मैंने मात्र 12 साल की उम्र में ही कार चलाना शुरू कर दी थी। पहले ड्राइवर की गोदी में जबरदस्ती बैठकर कार चलाता था और फिर जब बड़ा हो गया तो चुपके से पापा के कलेक्शन से कोई भी कार उठाकर निकल जाता था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।